टिकट बेच रहे हैं ब्लैक में। बड़ा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि टिकट 10 रुपए का हो गया है। पार्क देख लियो, और एक और बहुत ही अच्छी सी आपको जगह दिखाते हैं गोलघर के अंदर में, पार्क के ही अंदर में बना हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है भारती ब्लॉग में, और हम लोग के दिन का शुरुआत हो चुका है। बहुत मस्त खाना पीना खा करके हम लोग पूरी फैमिली फिर से आज रेडी है घूमने जाने के लिए। और गाइज, ये कोई एक्सप्लोरिंग वीडियो नहीं है, मैं मतलब अपने वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम घूमने जा रहे हैं तो हम जरूर दिखाएंगे आपको बिहार का सबसे फेमस जगह, बताएंगे नहीं दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं आप लोग के साथ घूमते हैं, वीडियो में बने रहिए। नीचे जा चुके हैं गाइज, हम भी जल्दी से जा रहे हैं, अपना सूट बूट पहन के बहन का इंतजार कर रहे हैं दरवाजे के अंदर, निकल ही नहीं रही है। A few moments later. Guys, हम लोग निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ गए हैं, और हम लोग के पास गाड़ी नहीं है फोर व्हीलर, अगर मदद रहा तो जल्दी ले लेंगे व्लॉग के जरिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं, और बस थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ घूमने गए। आइए बने रहिए और आपको दिखाते हैं पता नज़ारा, दिखाइए अपने भैया। गाइस, ये है बिस्कोमान भवन और गांधी मैदान, अच्छे से दिखाई दे रहा है। बस इसी के पश्चिम साइड में हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है बिहार में घूमने की, आपको दिखाते हैं। यही वाला है ना साइंस सेंटर, इसमें भी आया जाएगा। देखो साइंस वाला, देखो रोबोट बना रहा है इसमें आने लगा। और ये पटना साइंस सेंटर है, विश्वविद्यालय केंद्र पटना, गांधी मैदान के जस्ट सामने है। ये मछली भी जब बोल रहा था ना, गाइस हम जिस जगह पे कह रहे थे उस जगह पे आ गए हैं, और आप लोग दिखाना चाहते हैं पटना का व्यू। ये आइए आप लोग को दिखाते हैं बहुत ही मस्त सा जगह जहाँ आप लोग घूमने आ सकते हैं जैसे हम लोग आए हैं, और ये है पटना का गोलघर। आइए आपको यहाँ का मस्त सा एक्सप्लोर कराते हैं आपको ये जगह। अभी हम टिकट की लाइन में लगे हैं, टिकट का आपको भी आना है तो टिकट लेना पड़ेगा। अभी हम रेट भी बता दे रहे हैं कितने का है। टिकट बेच रहे हैं ब्लैक में, 4 रुपए। चलो हाँ, टिकट कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है पहले? हाँ, पहले से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 10 का हो गया ना, पहले 5 का था। ये इसको सब चाहिए, चल जमा कर दे उधर, तो हर यार 4 लग जाएगा। बड़ा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि टिकट 10 रुपए का हो गया है। अच्छा वो मम्मी किसी की मालिक नहीं है, बाइक छोड़ के भाग जाता। चलिए, तो अभी आप मनसा जी से पूछ सकते हैं कि ये क्यों बना था। तो इसमें ना गोदाम बनाए थे, सप्लाई करते क्या चीज रखे रहे ना, बाहर जाना होगा ना कुछ लेने के लिए। इसको टिकट को दोगे ना तो तुमको निकलने नहीं देगा कोई, जमाने को बोलो अंग्रेजी में बोलो। हां तो गाइस, ये है घास, ये तो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। नहीं नहीं गाइस, अभी हम लोग हैं पटना के गोलघर में, और देखिए ये बहुत ही प्यारा जगह है, आप लोग को पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, पूरा दिखाते हैं। आपको हवा चाहिए लीजिए। हां आइए हो चुका है।
चारी और गेट बना दिया है गाइस, एयर ले रहा। गाइस देखिए ना ये गेट कितना बढ़िया था, इसमें आवाज देने पे सराउंड आवाजिंग आती थी, लेकिन अभी गेट बंद कर दिया। दिखाओ टप्पू, तो अब आइए घूमने के लिए, देखने के लिए तो ऐसे मिलेगा, पर पता नहीं क्यों बंद कर दिया। और गाइस आप लोग को अगर अपने लवर के याद में कुछ ना लिखना है तो आप लोग अपने बहुत सारा लिखा हुआ है, गोली गोली गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो बोलते होगी तब मजा आएगा। हाँ यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे आप सब, आपको गाइस जैसे हम इन्फ्लुएंसर होने वाले हैं, अभी यहाँ पे हो चुके इन्फ्लुएंसर बहुत सारे, देखते हैं आज कोई दिखाई देता है कि नहीं। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, पूरा एकदम खेत खलिहान टाइप का। तो यहाँ इसमें पानी खत्म हो गया गाइस, हम लोग बैठे हुए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए मंगाए हुए हैं, कुछ खाते पीते हैं फिर देखते हैं क्या क्या है। ये पहले ये पार्क नहीं था यहाँ पे, अच्छा ये पार्क नहीं है गाइस, ये लड़की है, गजब बेइज्जती है। पार्क इधर है और अभी हम लोग उधर तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा हम क्या लगता है, गोलघर तो जो है वो है ही, और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा अच्छा है। आप आइए कहीं भी सो के बैठ के, क्या कह रहे हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ और बहुत कुछ तो दिखा भी चुके वीडियो में, और भी दिखाएंगे भी आपको कितना अच्छा अच्छा सेल्फी पॉइंट है। किसी भी पेड़ के पीछे ऐसे छुप के फ़ोटो खींचिए, आप आइए घास पे लेट जाइए खींचिए खींच लीजिए फ़ोटो, बहुत फ़ोटो खींचने वाला जगह है, और दिखा रहे हैं आपको, हम भी खींचे हैं वो भी दिखाएंगे आपको। इतना सारा खाना, एक खाना नहीं है मम्मी, अरे है भैया है, ये क्या है मम्मी, कौन सा लुक है ये, हाय गाइस। हेलो, बहुत सारा रील्स बना लिए हैं और यहाँ चलो गाइस अब दिखाते हैं आपको दूसरी ओर पार्क, दिखाते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा सा पार्क भी बना हुआ है और बहुत किस्म किस्म के झूले हैं यहाँ पे। साना बहुत मस्त सा पार्क है गाइस, आप लोग अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अब मैं ये छोटे शिवश्य को घुमाने के लिए जा रही हूँ। अच्छी सी आपको जगह दिखाते हैं गोलघर के अंदर में, पार्क के ही अंदर में बना हुआ है, और अब हम लोग यहाँ से बस एक चीज देख के वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट गेट पे और जाएंगे घर की ओर। गाइस बहुत ही प्यारा सेल्फी पॉइंट, पूरा एकदम ऊपर चढ़ जाइए, यहाँ से गोलघर देखिए, वाह मस्त आ रहा है ना, बहुत प्यारा स्पेस है गाइस, आप लोग घूमने आइए, बहुत ही आनंद आएगा। अच्छा लगा यहाँ पे, और ये आर्टिफिशियल प्लांट, वाह लाइट चलता होगा ना, और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, बहुत मजा आया। अब अगली बार फिर से कोई जगह को एक्सप्लोर करेंगे हम घूमने के लिए।
आज हम लोग घूम फिर चुके हैं, खूब बढ़िया मस्त एंजॉय कर चुके हैं। और आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी अच्छी अच्छी जगहों के साथ मिलेंगे आपके साथ। और तब तक के लिए बाय।